Good morning, all of you. Class 8. Today we will start chapter 6, square and square roots. Exercise 6.4, page number 107. आपने स्क्वायर और स्क्वायर कैसे फाइंड करना होता है ये अच्छे से सीख लिया है. अब इस एक्सरसाइज में हम कुछ नई मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे जिसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड. चलिए, I am reading the question. Find the square root of each of the following numbers by division method. Division method से हम square root कैसे find करते हैं? इसके पहले जो हमने square root find किए हैं, वो prime factorization method से किए हैं बेटे. Prime numbers हम उनको divide करते हैं, pair बनाते हैं और square root निकालते हैं. ये division method है. This is very good method और हमें ये याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत सरल method है और बहुत short method है. और इसमें किसी भी डिजिट का, डेसिमल का, सबका स्क्वायर रूट हम इसी से फाइंड कर सकते हैं. और ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसका भी स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं डेसिमल लगाकर. सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज मच टू मच इंपॉर्टेंट. तो प्लीज पे अटेंशन एंड सी द बोर्ड. बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक ही बार में समझ में आ जाएगा. There are 12 questions in this question number 1. और मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ. पूरा फोकस हमको इस पर लगाना है, भले ही हम ये इसी क्वेश्चन को समझे. सी, अब हम कौन से मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है? डिवीजन मेथड से. क्वेश्चन है 2304. अब इसका सिस्टम ये है कि हमने एक लाइन ड्रॉ की इन डिजिट्स के तौर पर और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर. अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका एक रूल होता है, वंस की ओर से हम पेयर बनाते हैं. पेयर समझ गया, टू टू के पेयर, जैसा हम स्क्वायर रूट में पेयर बनाते हैं ना प्राइम फैक्टर के वैसे. अब क्या होता है कि इसमें जो टेबल चलती है वो स्क्वायर की टेबल चलती है. स्क्वायर की कैसे, जैसे कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. 1 मींस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1. 2 स्क्वायर मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4. तो ऐसा स्क्वायर की टेबल चलेगी. 1 यानी कि 2 लिया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना. 3 स्क्वायर मींस 9, है ना, समझ गए. 4 स्क्वायर मींस 16. 5 स्क्वायर मींस 25. तो ये टेबल चलेगी आपको, ये टेबल ऐसी टेबल चलेगी आपको. इसमें याद रखिएगा 6 स्क्वायर मींस 36, ऐसा चलेगा. कैसे देखेंगे आप? अब आपका है 23. हम इनमें से कौन सा नंबर लेंगे उसका स्क्वायर, या तो 23 हो या 7. अगर 5 लेते हैं तो 5 से 25 हो जाता है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर. 4 से 16. तो 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और कितना आया था, 16. आ गया समझ में, स्क्वायर वाली टेबल चला, राइट. और अब क्या होता है कि यही 4 इसके नीचे मिलकर इधर प्लस करते हैं और यहाँ होता है माइनस. 4 प्लस 4 8, और इस 4 को हम यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर लिखेंगे. याद रखना क्यों लिखेंगे ये मैं समझाता हूँ आपको. ये 4 इधर प्लस कर आए, तो 4 जो लिया हमने 3 टाइम लिखना उस डिजिट को, कितने टाइम, 3 टाइम. 4 4 जा 16, और ये 4 के नीचे 4 प्लस किया. इधर माइनस होता है इधर प्लस होता है. अब 23 में से 16 माइनस कर, 3 को 13 बनाया, 13 माइनस 6 इज 7. And this will become 1, 1, 1 is 0. अब यहाँ पर ये pair है, तो complete pair ही bring down होगा, नीचे उतरेगा. तो 0, 4 हमने नीचे लिख दिया. अब ये 704 बन गया. अब इस 8 क्या है, ये जो 8 है, यहाँ जो digit होती है उसकी double होती है. अब इस 8 क्या है, हम कौन सी digit लिखे, मान लो आपने 1 लिखा, तो ये हो गया 81. तो जो digit लिखी है उसी से multiply कर. अगर आपने 5 लिखा 85, आपको 5 से मल्टीप्लाई. डू यू अंडरस्टैंड, जो भी डिजिट हम इसके वंस में लिखेंगे उसी से. तो अब हम क्या लिखें हमें नहीं पता, तो इसके लिए तरीका बताता हूं, सरल तरीका. आप 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 70 या उससे कम आए. 8 टाइम जा 72 होता है, तो 9 जा तो ज्यादा हो जाता है. 8 8 जा 64, यानी कि 8 की टेबल 8 टाइम बोलते हैं तो 64. ये अप्रोक्सीमेट हमने आइडिया देगा. तो ये 8 तो हमारे पास ही, और इस 8 के आगे हम वंस में यहाँ 8 लिखेंगे. और तो इसी 8 से मल्टीप्लाई करना है, चेक करते हैं.
8 8 64 4 carry 6, again 8 8 64 plus 6 70, 704 704, means यहाँ को 8 लिखना, 1 8, फिर यहाँ भी 8, 8 8 64 हुआ था ना अपना, तो आंसर तो अपना 704 आया, मल्टीप्लाई से क्योंकि 88 को हमने मल्टीप्लाई किया और यही 8 के नीचे यहाँ पर इस 8, तो आपने देखा कि हमने डिस्टेंस पर क्यों लिखा था, क्योंकि इधर हम डिजिट को लिखते जाते हैं इसमें, अगर आप यहाँ पर लिख देते तो 8 यही लिख देते तो ये 8 आ जाता, इसलिए उसको दूरी बनाकर लिखिए। फिर वही मेथड जैसा इधर प्लस किया था यहाँ भी प्लस या माइनस किया था, 8 plus 8 16 plus 6 21 8 and 1 9, और इधर आ गया 4 minus 4 0 0 0, रिमाइंडर 0 आ गया, ये 48 का डबल 96, ये चेक करने का तरीका है, और इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट, मींस अब आप लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट से मान लीजिए 2304 is equal to 48, ये आपका आंसर, दैट इज आंसर। Do you understand? 2304 का स्क्वायर रूट 48, इस तरह से आपको करना है, और ये स्क्वायर रूट टेबल आपको यूज करना है, ये टेबल मैं अभी हटा दे रहा हूँ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। इसी का एक और क्वेश्चन समझते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट का सेकंड देखिए, 4489 यस, फर्स्ट का सेकंड 4489, ये स्क्वायर की टेबल अब मैं यहां से रफ करना पड़ेगी तो क्वेश्चन करना है इसलिए, बट अब आपको समझ में आया, मैं यहां लिख देता हूं स्क्वायर वाली टेबल, चला रहा हमको 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। आपको ध्यान रखेंगे ये ऐसे स्क्वायर वाले टेबल लेना है। स्टार्ट, चलिए 4489, अब मैं तो पेयर वन से साइड की ओर से पेयर बनाएंगे, अभी आपके इवन नंबर आ रहे हैं, यहाँ गया 49, गया 39, 6 मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर 36, राइट, तो हम यहाँ लिखेंगे, समझ में आ रहा है, 6 6 36, नोट कीजिएगा कि मैंने 6 को डिस्टेंस पर लिखा है, राइट है, अब इस 6 के नीचे हम ये प्लस लिखेंगे, 6 और इधर माइनस, 14 minus 6 is 8, 3 minus 3 0 एंड दिस विल बिकम 12, 6 plus 6 2 1 12, ये 6 का डबल 12, अब ब्रिंग डाउन कंप्लीट पेयर आएगा आपका 89 889, फिर मैंने आपको एक आइडिया दिया था जैसे सर मैंने 8 की टेबल बोली थी 17, ऐसे 12 की टेबल बोली है, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, और 12 8 जा कितना होता है बेटा 96, ज्यादा जाएगा 12 8 जा 96 है ना, देन 12 7 जा 84, तो 7 हमको लगता है यहाँ पर 7 लिखना चाहिए, 12 तो था हमने 7 लिखा तो 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, 7 7 का 49, और 1 से डिजिट का भी पता लग जाता आपको, 7 लिखेंगे 7 7 का 49, तो करेक्ट होने की हमको संभावना रखी, जैसे 8 8 जा 64 या 4 है तो 4 ऐसा यूनिट डिजिट भी चेक कर लेता है, 7 7 का 49 के 4, 7 2 14 plus 4 18 का 8 के 1, 7 7 and 1 मीन्स हमने कितना लिखना चाहिए 7, तो यहाँ भी 7 3 टाइम लिखा थी डिजिट और 7 इसके नीचे 7, ये आ गया आपका 889, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, दिस 0 0 0 एंड 7 प्लस 7 14 का 4 के 1 2 एंड 1 3 एंड 1 134 इज द आंसर, सॉरी देखिए 67 का डबल 134 है,
और the square of 4489 is 67. Square of 4489 is equal to 67. अब अगर आप प्राइम नंबर से डिवाइड किए स्क्वायर को फाइंड करते हैं ना बेटा, आपको बहुत टफ लगता क्योंकि 67 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो आप कितनी डिजिट से डिवीजन डिवाइड करके इसको देखते तब जाके 67 पर पहुंचते। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये बहुत इजी हो जाता है। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको अभी ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये आसानी से बन गए। अब मैं और नंबर कर ले रहा हूं, इसमें इवन नंबर से अब और नंबर भी डिलीट करते हैं। ओके, और आई होप कि थर्ड वाले क्वेश्चन तक आपको अच्छा समझ में आ जाएगा और बिल्कुल हर बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए। और सारे क्वेश्चन इसके आपको रफ कॉपी में करके देखना है, फेयर कॉपी में जो मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ यही क्वेश्चन करना है आपको। तब मैं और नंबर का एक सम लेता हूँ, वैसे तो बहुत छोटी डिजिट है, फोर्थ में 529, तो पहले थ्री डिजिट वाला ले लूंगा, फिर मैं कोई फाइव डिजिट का भी देख लूंगा। फाइव डिजिट का सम ही नहीं है इसमें, चलिए 529 लेते हैं फोर्थ का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 529, इट्स सो सिंपल। अब हमने लिया 529, सी लाइन टच नहीं होना चाहिए डिजिट से, मेक द पेयर, वंस यू हैव अ पेयर बनाए तो ये सिंगल डिजिट है। अब हम किसका स्क्वायर लेंगे, केवल 5 का, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर लेंगे हम 4, करेक्ट, यानी यहां पर 2 को 2 लिखना, 2 को 4, और यहां पर 2 ऐड करना, 2 प्लस 2 4, और इधर माइनस करना, 5 माइनस 4 इज 1, ब्रिंग अप कंप्लीट पेयर 29। अब हम 4 की टेबल बोलते हैं, 4 3 जा 12, यानी यहां 4 के आगे आपको क्या लिखना चाहिए, 3, तो 3 आ गई, और जैसे ही 4 के आगे हमने 3 लिखा तो 3 से ही मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 129, ये लिख दिया 129, और 3 अगर 2 टाइम लिखा थर्ड टाइम इसके नीचे प्लस करना पड़ेगा, 3 प्लस 3 6 4 is 18 एंड माइनस 0 0 0 रिमाइंडर 0 मींस द स्क्वायर रूट ऑफ 529 is equal to 23 is the answer, clear? बहुत सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं हम आपको, इसका फिफ्थ वाला 3249, बाकी सब सेम है, कौन सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एट्थ बता देता हूँ, एट्थ 7921, चलिए किसका स्क्वायर देखेंगे, 9 का स्क्वायर तो 81 हो जाता है, तो 8 का स्क्वायर 64 मींस 8, देन इतनी दूर लिखना आपको याद रखिएगा, ये पास में मत लिखिएगा, 8 का 64, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि 2 या 3 डी 4 या 3 डी में आपका स्क्वायर 100 से भी ठीक है। अभी मैं आपको कुछ ही बात बताऊंगा, चलिए अब आप देखिएगा इसका कि 8 8 64, यहां पर 8 लिखेंगे प्लस, ये हो गया 8 प्लस 8 16, या माइनस का 9 माइनस 4 इज 5, 7 माइनस 6 इज 1, ब्रिंग डाउन 21। अब 16 की टेबल बोलेंगे आप, 152 कितनी बार में आ जाएगा, 16 9 जा 144, यानी 16 के आगे हम क्या लिख सकते हैं, 9, तो 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, ये 1 आ रहा है, नंबर हम सही जा रहे हैं, कैरी 8, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 62 का 2 कैरी 6, 9 जा 9 and 6 15, 1521 means इसके आगे 9 लिखना है, यहाँ 9 और 1521, और ये 9 के नीचे 9 प्लस 9 प्लस 9 18, 6 and 1 7 और 1 and इधर माइनस 0 0 0 0, ये माइनस के साइन लगाना हम भूलिएगा, इधर प्लस के साइन लगाना नहीं भूलना चाहिए, और लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7921
इज इक्वल टू 89। आई होप कि आपने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे और ये स्क्वायर वाली टेबल हमको यूज करना होती है इसमें। बिल्कुल सारे बच्चों को ये सारे क्वेश्चन करना रफ कॉपी में फेयर में जो मैंने बताया। और क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, बहुत ही इजी है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको ये बताना है कि नंबर क्या, अगर अपन स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो कितने डिजिट में आएगा। देखिए अब आप, मैं आपको बता दूं, 1 से 9 तक का स्क्वायर डबल डिजिट में है ना, इवन 10 से बड़ी डिजिट होगी तो 3 डिजिट में स्क्वायर हो जाता है। तो 3 डिजिट वाला जो स्क्वायर नंबर होगा वो डबल डिजिट में आ जाता है ना। 3 और 4 डिजिट के स्क्वायर नंबर जो है वो काम में आएंगे डबल डिजिट में। समझ में आ गया? तो अब आप ये देखिएगा कि 64 का स्क्वायर रूट 8 है सिंगल डिजिट। तो आपको ओरल इस लॉजिक यूज करना है। फर्स्ट का जो स्क्वायर रूट है वो केवल 1 डिजिट में आएगा, तो सेकंड का जो आंसर इसको इस तरह से लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का फर्स्ट उसने बोला है कि 64 में नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट है ना। अब ये मेरा रफ कर रहा हूं बेटा, 64 देन हमें बताना है नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट में यहां इसलिए पता चलता है स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8 और 8 में कितनी डिजिट है 1, इसलिए हमने यहां पर 1 लिया। इस तरह आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 144, ये 100 के ऊपर चला गया ना तो डबल डिजिट में आ गया, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, तो सेकंड है 144, तो इसमें कितनी डिजिट आएगी, नंबर ऑफ डिजिट्स 2, नंबर ऑफ डिजिट 2 आ गया। कब, इन स्क्वायर रूट, इन स्क्वायर रूट, इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12, और 12 में कितनी डिजिट है 2। ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखा, रेस्ट ऑफ डू सम यू विल डू। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा।